हेलो, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर दीपक केळकर, मनोविकार, सेक्स रोग, संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। मानसिक बीमारियों के काफ़ी पेशेंट हमारे पास में जब आते हैं तो मानसिक बीमारी का इलाज करते हैं। समझो डिप्रेशन का पेशेंट है, उसका डिप्रेशन का इलाज करते हैं। या उसको कभी फिट वाले हमारे पास में पेशेंट आते हैं, वो फिट का इलाज करते हैं। कभी ऐसा होता है कि उनको डिप्रेशन की वजह और कुछ होती है, और वो कौन सी वजह, उसके बारे में आपसे मैं आज बात करने वाला हूँ। वो है विटामिन B1 की डिफिशियंसी। उसको बोलते हैं थायमिन डिफिशियंसी या बेरी बेरी सिंड्रोम। थायमिन जो है, मतलब विटामिन B1 जो है, वो एक बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप जो है, विटामिन का बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, विटामिन बी उसमें का एक विटामिन है। जैसे विटामिन में A, B, C, D, E, K, ऐसे विटामिन अलग अलग है। इसमें का बी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है, और वो बी का, विटामिन बी का जो ग्रुप है उसमें का B1 थायामिन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका जो लेवल है ब्लड का, वो ब्लड का लेवल होना चाहिए 2.5 to 7.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। 2.5 से वह कम हो जाता है तो मानसिक बीमारी हो सकती है, शारीरिक बीमारी हो सकती है। हम बीमारी ठीक करेंगे डिप्रेशन की, मगर है प्रॉब्लम B1 का, थायमिन डिफिशियंसी का। अब थायमिन डिफिशियंसी मतलब B1 की डिफिशियंसी हो गई तो एक तो मेमोरी लॉस होता है, फॉरगेटफुलनेस, याद नहीं रहता, कन्फ्यूजनल स्टेट आती है, कन्फ्यूजन, दिमाग काम नहीं करता, फॉग आता है दिमाग में, धुका। डिप्रेशन आ सकता है, उदासीनता, नाराजगी, काम में मन नहीं लगना, कॉन्सेंट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा भाई, कन्फ्यूजन है, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, और अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, फॉरगेटफुलनेस, ये होने से फिर समझ में नहीं आता कि डिमेंशिया की तरफ जा रहा है क्या, मतलब स्मृति भ्रंश हो रहा है क्या। B1 जो है वो एसिटिल कोलिन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर जो हमारा एसिटिल कोलिन है दिमाग में, उसके लिए B1 की बहुत ज़रूरी होती है। एसिटिल कोलिन को तैयार करने का काम B1 का है। अब एसिटिल कोलिन तैयार नहीं हुआ, न्यूरो ट्रांसमीटर, तो होता क्या है कि नर्व्स जो हमारी जो है, नसें जो है ब्रेन की, उसका जो कवर रहता है, आवरण, शीथ, वो डैमेज होता है, और वो डैमेज हुआ तो फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो जो नसों का जो आवरण है, शीथ है, वो मैन्युफैक्चर नहीं होता, उसमें डैमेज होता है, इसलिए नर्व डैमेज होती है, और नर्व डैमेज होने से फिर सब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। हाथ पैर में अंगार, फिर थकान आना, है ना, मसल्स में, बॉडी मसल जो है उसमें पेन, दर्द हो जाना, ऐसी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उसके बाद में फिर शुरू हो जाती है। बॉडी में लैक्टिक एसिड और पैरुविक एसिड का जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सभी मस्कुलर प्रॉब्लम होता है। कभी कभी झटके भी आते हैं, तो झटके आने के लिए कभी झटके की दवाई दे दिया तो झटके तो रुक जाते हैं, मगर झटके की दवाई जो है उससे फिर थायमिन और कम हो सकता है। फिर कभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट की बीमारी होती है, शरीर के ऊपर सूजन आती है, फिर उसके लिए जो दवा देते हैं डायुरेटिक्स, अब डायुरेटिक्स दवा दिया तो उसकी वजह से B1 कम हो जाता है, थायमिन कम हो जाता है। इसलिए डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, कि निदान होना कि भाई बीमारी है क्या। B1 डिफिशियंसी है, थायमिन डिफिशियंसी है, तो उसका इलाज करना वो ज़रूरी है ताकि बाकी सब प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। और काफ़ी सारे साइकेट्रिस्ट जो है वो इसके तरफ यदि वो ख्याल देते नहीं हैं तो फिर डिप्रेशन का इलाज करते करते थायमिन डिफिशियंसी भूल जाते हैं और फिर प्रॉब्लम आ सकता है। तो नर्व का डैमेज होना, नर्व का जनरेशन नहीं होना, उसकी वजह से फिर हाइपरटेंशन, पेरिफेरी में प्रॉब्लम, हाथ पैर में अंगार, और उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं बेरी बेरी। बेरी बेरी दो तरह की होती है, एक होती है वेट बेरी बेरी और एक होती है ड्राई बेरी बेरी। इसका सिंपल इलाज है B1 देना, इंजेक्शन B1 देना, टैबलेट देना। गोलियाँ आती है तो गोलियाँ 100 मिलीग्राम की होती है, रोज़ की 3 गोलियाँ खिलाना, या इंजेक्शन देते हैं, रोज़ का एक इंजेक्शन,
ऐसे एक इंजेक्शन का कोर्स 10 दिन का किया तो वो डेफिशिएंसी जो है वो ठीक हो जाती है, और नहीं तो फिर जो सोर्स है B1 के वो है ग्रीन टी, मशरूम्स, ब्लैक बीन्स, स्पैनक, फिर पॉलिश राइस, बीन्स, लेंटिल्स, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड्स, ऐसे काफ़ी सारी जो सोर्सेस है अनाज के उसमें B1 मिलता है, तो वो भी खा के B1 की डिफिशियंसी ठीक हो सकती है। तो स्पेशली डॉक्टर लोगों ने देखना जरूरी है कि भाई हमें B1 डिफिशियंसी के बारे में हम वो ट्रीट कर रहे हैं कि हम डिप्रेशन ठीक कर रहे हैं, और पेशेंट ने भी मतलब जैसा वो देखते हैं कि भाई आराम नहीं पड़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ डिप्रेशन हम ठीक कर रहे हैं कि B1 डिफिशियंसी, थायमिन डिफिशियंसी ठीक कर रहे हैं, वो देखना जरूरी है, और वो देखते हैं तो जल्दी ही डिप्रेशन ठीक हो सकता है। तो जरूर ये वीडियो आपके ग्रुप में शेयर करो, लोगों को जानकारी दो, ताकि जिनको भी मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम है और जो ठीक नहीं हो रहे हैं उनके तरफ ये वीडियो पहुंच जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। हमारा जो मिशन है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। अब आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो ये वीडियो, आप सब्सक्राइब करो अच्छा लगा तो, और ये वीडियो लाइक करो, उसके साथ साथ जो बेल आती है उसके ऊपर हिट करो ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकोगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।